पापा जी आप तो कहते थे छुट्टी वाले दिन में घर के काम किया करूंगा। नहीं जैनब, आपको ना वो सुनने में गलती लगी होगी। क्यों बेगम, सुबह उठ के सारे घर की सफाइयाँ की हैं, आटा गूंदा है, दो दफा तो अभी तक बर्तन धो चुका हूँ, कपड़े अभी सारे हफ्ते के धोने वाले पड़े हैं। अच्छा जैनब के पापा, नाश्ता आप बनाएंगे कि मैं बनाऊँ? लो बस एक यही काम रह गया था करने वाला। बेगम आप कुछ ज्यादा ही शौके नहीं हो गए? कोई बात नहीं जैनब के पापा, इस हफ्ते मैं छुट्टी कर लेती हूँ, अगले हफ्ते आप छुट्टी कर लेना। चले ठीक है हजरत, लाए मैं बनाता हूँ नाश्ता। सोचा था इससे पहले पहले घर तैयार हो जाएगा। मैंने भी यही सोचा था बेगम। तो इतना ना ना सोचा करें। जाओ दुआ भाई खेलो जाके। आहो पुत्र दुआ सही कह दे, इतना नहीं सोची था। आओ आओ माँ जी बैठो। हाँ जी पापा जी, तभी ले हिम्मत हो जाती है तभी सीमट है। तेरे सीमट पुत्र कट्ठे ही ले आने हैं। ठीक है माँ जी। पापा जी अभी मिस्त्रियों का कितना काम रहता है? पता नहीं पुत्र, हर रोज ही कहते हैं बस दो चार दिन लगेंगे। पुत्र ये मिस्त्री जिस कार बार जाना जानते नहीं। कोई नहीं माँ जी, जेड़ा आया एक दिन तो उन्हें फिर जाना ही। जी दादी ने किस दिन जाना है? ठहर जा दवा, जिस दिन तेरी मामा ने जाना है। पापा जी आप मेरे मामा से ज्यादा प्यार करते हैं या अपनी मामा से? दोनों से करता हूँ बेटा। खिदमत तो आप अपनी मामा के ज्यादा करते हैं। तो अब आप क्या चाहते हो, आपकी मामा के भी पांव दबा दिया करूँ? है फोन बंद कर दिया इसने तो। क्या हुआ जैनब के पापा? पता नहीं, कोई कह रहा कि रमजान में स्कूल बंद रहेंगे। अब तो छुट्टियों के मजे आएंगे। कल भी आपको मैसेज आया था कि एटीएम एक्सपायर हो गया। हाँ वो तो मैं बैंक में गया तो पता चला कि इस तरह की बात ही कोई नहीं है। पापा जी वो पिछले दिनों में शोर नहीं था, हो गया तो गाँव में जिन आता है। और बाद में पता चला कि रात को किसी की भैंस खुल जाती है। पता नहीं कौन लोग हैं ये जो अपनी तरफ से खबर बना लेते हैं। लोग भी तो पापा जी सुन सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं ना। आप मैसेज करके स्कूल वालों से तो पूछे ना कि छुट्टी है भी कि नहीं। हाँ बेगम, पहले हमें इस बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए। ए मामा जी। लो आ गया मैसेज, कोई छुट्टी नहीं है जी, कल फिर स्कूल जाना पड़ेगा। चलिए ना पापा जी, हम भी अपनी बड़ी गाड़ी लेके आते हैं। हाँ जी पापा जी। बड़ी गाड़ी के लिए बेटा बड़े नोट भी तो होने चाहिए ना। हाँ जी पापा जी। तो पापा जी आपके पास पैसे नहीं है? मैं तो कितनी दफा कह चुकी हूँ जितने कम है मेरे अकाउंट से ले लें। हाँ जी पापा जी। बेटा घर के अखराजात तो मेरे जिम्मे है ना। तो पापा जी मामा को तो पैसे आपने दिए है ना? हाँ जी पापा जी। तो फिर वापस ले लेना मामा से। कैसी बातें कर रही हो दुआ? देखिए जैनब के पापा, घर के अखराजात अगर बाप के जिम्मे हैं तो मैं भी तो आखिर माँ हूँ ना। चलिए हम बड़ी गाड़ी लेने चलते हैं।